झांसी में मेरी पोस्टिंग हुई थी और अब रायगढ़ में पोस्टिंग हुई है और गंगा सिंह नाम का एक यहाँ घूमघाट डाकू है। दोस्तों वो रात और दिन भर में कम से कम दो चार दस घर ही लूट लेता है, उसके नाम से दहशत फैला है। अब मैं जब तक उसे गिरफ्तार कर नहीं लेता तब तक मुझे भी चैन नहीं। ठीक है, बैठता हूँ देखता हूँ चौकीदार जहाँ कहाँ गए। Oh,
धक्का मारा यार। एक के
मुझे क्या मालूम है तुम्हारी बहन है? तुम्हें तो कह रहे हो सिस्टर। सिस्टर बोले तो सिस्टर मीन्स बहन ही होता है ना बे? हम मेल मिला रहे। अच्छा मेल मिला रहे। मैं बात करूं कि तू करेगा? अच्छा हाय मैडम, जवानी में अंधी हो गई हो? सरेआम बाजार में लड़कों को धक्का मारकर चलती हो? शर्म नहीं लगती है? ज्यादा फालतू की बकवास मत करो। धक्का आप लोगों ने मारा है, ये सोचते हो कि लड़की जंगल में अकेली है, कुछ कर तो पाएगी नहीं, और यहाँ पर शोर मचाएगी तो कोई आएगा नहीं बचाने, ये समझ तुम लोग बदतमीजी करे हो ना? मेरी बात सुनो, मुझे इधर उधर की लड़की मत समझो, समझे? और चाकू मार के पूछते हो कि खुद तो नहीं निकला? ऊपर से तो कोई जख्म नहीं दिखाई दे रहा है, अगर अंदर से कहीं चोट आई है तो कहो इलाज करवा दो। तुम इलाज करवाओगे? मेरी बात सुनो, हमारे इलाके में हमारे गांव का रीति रिवाज है, जब कोई बाहरी लड़का किसी गांव की लड़की के साथ बदतमीजी करता है तो लड़की उसको सजा देती है। सजा? जी हाँ। वैसे मैडम आपका नाम क्या है? हमार तुम लोग जले तो सजाए मौत कराई दी। उमर कैद? अब इनके नहीं इनके फांसी। वैसे आपका नाम क्या है मैडम? मेरा नाम तो बसंती है। बसंती टांगे वाली? टांगे वाली? वो बसंती टांगे वाली नहीं है, फोसोले फिल्म वाली। क्या इनका नाम बसंती, हमार नाम बसंता, तुहार नाम शंशा। हमार नाम संसा नहीं रम्मा कह दे। अरे मैडम आपको मालूम होना चाहिए हम लोग शरीफ खानदान के हैं। तुमको मालूम नहीं हम लोग शरीफा खानदान के हैं? ये शरीफा खानदान का, हम पपीता खानदान के। ये बोल दे हम लोग राजपूत हैं। लड़की हम लोग राजदूत हैं। नहीं बुलट हैं, मैं राजपूत। आपका कहने का मतलब क्या है? आपके हमारे नाम तो पूछ लिया मगर ये नहीं बता कि आप लोग कौन है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार दीपक है। तुम ही बता दो। हमारा नाम चिमनी कुमार है। मेरा नाम दीपक कुमार है, इसका नाम चिमनी कुमार। चिमनी कुमार ही बैठ के तू जलत रहा। ठीक है आप सजा दीजिए, आपकी सजा भुगतने के लिए तैयार है हम लोग। वैसे देखने में तो काफी हैंडसम और बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं। हम लोग ब्यूटीफुल हैं। हाँ समय हो गया है, अभी हमको तो जाना पड़ेगा ड्यूटी करने। झाड़ू लगाते हो ना मुझे पता है स्टेशन पे। वैसे अगर मैं इनसे दोस्ती कर लूं तो कितना अच्छा रहेगा, साथ साथ दिल की बात करेंगे बैठकर और हमेशा मुलाकात भी करते रहेंगे। मगर एक बात कहूं, अभी अभी न जाने क्यों आपको देखने के बाद मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा है। कुछ कुछ होने लगा है? ये आई गई हमारा ही पैसा कहा बाबू लेवे दबा कहा यार, तुम्हार मौसी आई बा पाड़े कहा था कि हमारा ही 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी के तरफ से नमस्कार। ए वो जाग के फिर सो गई सपनों में खो गई। तेरे कारण
कह रही हूँ। मर गई मिट्टी कई ज्यादा मिट्टी हो गई, जल्दी से जवान नाच न तो तीन पैसा लागी नरेगा वाला उठाए के भी गई। बसंती मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, आप कहना क्या? समझाऊ मेरे दिल पे छुरी चला के न जाओ, मेरे दिल पे छुरी चला के न जाओ। सुनाओ नहीं दे ऐसा नगमा सुनाओ, चला खाप भाई का थोड़ा खाओ, नहीं दे ऐसा नगमा सुनाओ। मंजूर नहीं, हम लोग बहुत अर्जेंट काम से बहुत दूर जा रहे हैं, इसलिए हम लोगों का रास्ता मत रोकिए। तो हम बताई बेटी काहे ना माना दिया है, काहे ना माना काहे बताई? एक बार सुनिया कर रहे प्रयागराज नसबंदी करवाई, इसलिए तो मेरी बातों का असर नहीं पड़ रहा थी। हमसे कहा भी हो तो कही। अच्छा सुनो सुनो मेरी बात सुनो, तुम ठीक क्या करो मगर एक ही चीज गड़बड़ है। चलो बाद में बताऊंगी, फिलहाल तो मैं इनसे कुछ बात कर लूँ। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे भाई रुक एक मिनट। मान ले यार भाई साहब, तुम्हारा मतलब क्या है? अरे यार मान ला ही या 5 लाख एकड़ 6 लाख 10 लाख लगावत है तब बिया पूर होत बा, अइया फ्री में ही होत बा, तो वही हाल है घी दे बावन नरिया। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे हाँ।
भी हवा तू कहीं ले रखा था भाई साहब पहले वहां हुआ बुलावा था नंबर एक आ नंबर दो नंबर तीन आके मजाक समझे प्यार होता जमीता समा से प्यार ना जाने राजा कंगाल को प्यार में लैला मजनू खत्म हो गए
ये 23 रुपया दे जाए, हमारी पार्टी में काम रखते हैं। आप अंदर गिर गया? हाँ। आप अंदर गिर गया? हाँ। ये हमारे शिवलाल भैया जी जिनके माध्यम से प्रोग्राम हुआ है, इस गजल पर कुछ होकर मान लिया 101 रुपए का पुरस्कार देते हैं। हम शिवलाल भैया जी को 12-10 रुपया जमाते हैं। आओ चलो चलते, मगर कभी धोखा नहीं देना। अरे नहीं बसंती, कभी नहीं धोखा दूंगा। तुम भी धोखा दे सकती हो लेकिन मैं नहीं दूंगा। तुम क्या बात,